वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हम लोग तो अच्छे हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लौट चुके हैं वापस से अपने चैनल पे स्ट्रीट फूड जायका की ओर। अजमेर का सफर बहुत अच्छा रहा, हमें मजा आ गया। नहीं, अरे मजा आ गया, आ गए हम अपनी अपनी असली हालत में। तो भाई पहले तो मैं वो लोगों का थैंक्स कहना चाहता हूँ जो सब्सक्राइबर हमें मिले थे अजमेर में, बहुत प्यार दिए। हाँ, और एक जन ने तो एक सब्सक्राइबर ने तो हमें इनवाइट भी किया था कि आप हमारे घर पे आइए, और हम उनके घर पे भी गए थे। क्या नाम था उनका? आफ्ताब। हाँ, उनके लड़के का नाम आफ्ताब था, जो आईडी से हमें कमेंट आया था। और एक कमेंट आया था कि आप हमारे घर पे आइए, बट उनका कमेंट थोड़ा लेट हो चुका था, हम लोग जब तक घर पे आ चुके थे। हाँ, तो यार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को जो हमें मिला, जो हमें प्यार देते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो अभी चलिए चलते हैं अपने रेसिपी की ओर। तो आज हमें बनाने वाले हैं चिकन रोल, है ना अम्मी? और अम्मी स्प्रिंग रोल। हाँ, और अम्मी बनाने वाले हैं अपने स्टाइल में, और अम्मी के हाथ के चिकन रोल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो बहुत दिन से बोल रहा था, बट फाइनली अम्मी ने मेरी ये डिश सुन ली है। बहुत दिन से पीछे पड़ा था, मैं टहल रही थी। तो चलो फिर नजर मारते हैं अम्मी के चिकन रोल पे बनाने, मतलब चिकन रोल बनाने के लिए हमें क्या क्या लेंगे। भूल गया है इतने दिन से, आज दिन का गैप किया ना, तो अटकने लग गया है। चलो 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 चलो। तो सबसे पहले लगेंगे हमको बॉइल चिकन, गाजर, प्याज, शिमला मिर्ची, आमचूर पाउडर, कोथमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर और मैदे का आटा, और ये हमारे घर के मसाले हल्दी मिर्ची धनिया। तो चलो रोल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम आटा गूंद लेंगे, ठीक है? तो मैंने आटा ली हूँ मैदे का डेढ़ बाटी, ये डेढ़ बाटी मैदे का आटा है। और ये आधा बाटी कॉर्नफ्लावर है, मतलब तीन हिस्सा मैदा है तो एक हिस्सा कॉर्नफ्लावर है, ठीक है? अब इसमें डालेंगे हम अपने हिसाब से नमक, जो जितना खाता है वो अपने अपने हिसाब से नमक डालेंगे, ठीक है? अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल, अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, नमक को, कॉर्नफ्लावर को, तेल को, सूखे में ही मिला लेंगे इसको पहले, बाद में गूंदेंगे। तो देखो ये सब मिला ली हूँ, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। और इसका आटा भी हमको ज़्यादा पतला नहीं करना है, समझे? इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम ही गूंदना है, एकदम सॉफ्ट नहीं कर देना नरम, जैसा हम रोटी बनाते हैं बस इसी तरीके से। तो देखो आटा मैंने इस तरीके से गूंदी हूँ, देख रहे हैं आप लोग कितना नरम। अब इसे मैं थोड़ा सा तेल लगा लूँगी और इसको ढक के छोड़ दूँगी 10-15 मिनट। चलो हमारा आटा आराम कर रहा है, जब तक हम चिकन तैयार कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने कढ़ाई रखी है, अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। हाँ, तो हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, हरी मिर्ची में बताना भूलिए कि आप लोगों को, इसमें एक बड़ा प्याज डालेंगे, तो बारीक काटी हूँ मैंने अंडा आमलेट कटी, क्या बोलते हो आप लोग, और इसमें तेल कम लगता है, ठीक है? और इसको ज्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का हल्का पकाना है ताकि हमारा कच्चापन खत्म हो जाए हमारे प्याज का। एक मिनट तक अच्छा भून लिया उसको, अब हम डाल देंगे हमारा एक चम्मच अदरक लहसुन। आप लोग अदरक लहसुन को ना कतर के भी डाल सकते हैं, मैं कभी कभी पीसा हुआ डाल देती हूँ, कभी अच्छे से बारीक काट के डाल देती हूँ, तो भी भूनने आएगा ना तो अच्छा ही लगता है, ठीक है? अब हम सब डालेंगे गाजर। गाजर भी देखो मैंने एकदम बारीक करी हूँ, क्योंकि हम ज्यादा कुछ भी नहीं रख रहे, और शिमला मिर्ची भी बारीक ली हूँ, क्यों? क्योंकि हमने चिकन को अच्छे से पहले से गला लिया, अगर चिकन जरा कच्चा लेती थी मैं, तो मैं ये सब चीजें बड़ी 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 कटिंग करती थी, और मेरा चिकन पहले से बॉयल है करके मैंने सब बारीक काटी, ठीक है? और मैंने चिकन इसलिए बॉयल करी हूँ क्योंकि मुझे आज चिकन का कीमा नहीं मिला, ठीक है? इसके लिए मुझे बॉयल करके इस तरीके से करना पड़ा, इसमें भी बॉयल करने के लिए अदरक लहसुन डाली हूँ और नमक डाली बस, और 10 मिनट तक बॉयल करूँ। अगर आपको चिकन का कीमा मिलता है तो आपको
फ्राई करने की जरूरत नहीं है, इसमें डाल के आप गला लेंगे, वो गल जाता है। अब ये हो गया है, अब मैं इसी के अंदर डालूंगी ये मेरा बॉइल चिकन जो है 250 ग्राम, यानी ये 1/4 किलो। सबसे ज्यादा मेरा चिकन है गाजर से एक टुकड़ा लिया मैंने, शिमला मिर्ची भी थोड़ा सा लिया क्योंकि हमारा चिकन रोल, ठीक है, वेज रोल नहीं है इसलिए थोड़ा थोड़ा, अगर वेज रोल रहता तो मैं ज्यादा डालूंगी। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले सब, इसमें टमाटर वमाटे ज्यादा नहीं पड़ते हैं, ये सब सूखा रहेगा क्योंकि ये हमारे रोल में जाने वाला है, ठीक है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं मेरे सूखे मसाले, एक चम्मच मिर्ची मुखी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच मिर्च डालेंगे हम धनिया और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। अब इसके बाद डालेंगे हम हमारे ये आमचूर पाउडर, अब खट्टे के लिए हमने कुछ डाले नहीं ना, इसके बाद हमारा घर में बनाया हुआ ये गरम मसाला ये डालेंगे हम आधा चम्मच, और मैं इसमें काली मिर्च भी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे गरम मसाले में ऑलरेडी सब कुछ है। अगर आपको ऐड करना है इसमें आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक थोड़ा ही डालेंगे अपने हिसाब से क्योंकि चिकन बॉईल करने के टाइम मैंने नमक डाली थी। अब इसको ढक के 2 मिनट पकने दूंगी अच्छे से, तो देखो 2 मिनट तक मैंने इसको बना लिया धीमी आंच पे एकदम ताकि ये जले नहीं क्योंकि हमने इसमें ज्यादा तेल वेल ऐड नहीं किया है, ठीक है। और ये बॉइल चिकन था इसके, अब ये हमारा तैयार है चिकन, डालेंगे हमारी ये कोथमीर, कोथमीर ना पड़े कुछ नहीं होने वाला, अगर आप चाहे इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं पक्का मत, ठीक है। देखो धनिया बहुत पसंद है, धनिया पसंद है, नींबू भी पसंद है। अब हम ये निकाल लेंगे एक बर्तन में ठंडा होने के लिए, अब कढ़ाई में रहेगा तो ये गर्म ही रहेगा इसलिए मैं बर्तन में निकाल लूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, हमको रोल में भरने देंगे। तो देखो मेरे आटे को भी अच्छे से 15-20 मिनट हो गया है, जब तक हमारा चिकन तैयार हुआ तब तक ये अच्छे से नरम हो गया है एकदम। अब क्या करेंगे हम इसको निकाल लेंगे, अब इसके छोटे 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 पेड़े बना लेंगे। तो देखो मैंने पेड़े बना लिए इस तरीके से, अब क्या करी मैंने एक कटोरा इधर ले ली हूँ जिसके अंदर अभी मैं डालूंगी 2 चम्मच मैदा। अब ये क्यों डालती हूँ, ये हम आटा लगा लगा के बेलने के लिए रखे हैं, और ये जो है आटा 2 चम्मच ली हूँ, इसमें हम पानी डाल के थोड़ा सा घोल बना लेंगे। ये घोल मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि हमारी रोल को जब हम फोल्ड करके चिपकाए ताकि हमारा चिकन बाहर नहीं आए, इसलिए ये तैयार कर। तो देखो इस तरीके से घोल तैयार करना है, ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं रखना है, बस पतला रखना हल्का सा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ये ले लेंगे हमारा एक एक पेड़ा और थोड़ा अच्छे से मैदे में डिप करके इसको बेल लेंगे। मैंने बेल लियो, इसको रखेंगे इधर, फिर दूसरा लेंगे, फिर इसको बेल लेंगे, वही साइज की बेलेंगे जो अभी हमने वहां रखे हैं साइड में, ठीक है। तो देखो मैंने 3 पूरी बेल ली हूं, अब मैं क्या करूंगी इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा तेल। अब ये तेल लगाने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, फिर इसके ऊपर रखेंगे ये दूसरी पूरी, लगा लेंगे तेल, इस पे भी डाल देंगे अच्छा खासा मैदा, फिर हम इस पे रख देंगे ये तीसरी पूरी। तो हम क्या करेंगे इधर भी थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, जो साइड हमको नीचे रखना है ना वो साइड, ये एक साइड सूखा रखना है,
देख लीजिए कितनी बड़ी, आप बड़ी बेलो छोटी बेलो आपके हिसाब से, ठीक है। अब हम इसको सेक, इसको ज्यादा नहीं सेकना है, हल्का ही सेकना है, ठीक है, हल्का सेकना है बस। तो देखो हम इसको पलटी कर लेंगे आराम से, देखे आप लोग मैंने ज्यादा नहीं सेकी, इसको सिर्फ हल्का सा सेकना है, ज्यादा नहीं। तो देखो मैंने रोटी सेक ली हूँ अच्छे से, और मैं गैस बंद कर देती हूँ। हल्के आंच पे सेकी, मस्त एक एक रोटी अलग हो जाएगी। वाह, देखो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरी रोटी मेरी अलग अलग हो गई। ये छोटा मेड़ा था तो ये रोल छोटी हो गई, ठीक है। तो चलो अभी हम इसमें ना चिकन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कोई कटिंग नहीं करूंगी, बहुत से लोग इसको काट दे चौकन कर दे और त्रिकोण कर दे, मैं ऐसी ही बनाती हूँ, तो मैं ऐसी ही बता रही, ठीक है। तो अभी मैं इसमें, और ये चिकन मैंने जो बनाई हूँ इसमें ना स्ट्रीट फूड में बाहर वाले लोग ना कलर भी डालते, अगर आपको कलर डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैं इसमें कलर नहीं डाल रही, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे टाइट, ये आ गया ऐसा, ये आ गया ऐसा। अब हम इसमें लगाएंगे हमने ये जो मैदा घोल के रखे थे, इसके नीचे भी यहाँ, ताकि ये अच्छे से घुल जाए। बहुत से लोग अंडा भी लगाते हैं, जो अंडा खा लेते हैं तो अंडे से भी अच्छा चिपक जाता है, ठीक है। तो ये मेरा रोल तैयार है। अंडा डालता है, मैंने अंडा नहीं डाले। हाँ, और उन लोगों ने कांदा भाजी ज्यादा कर देते और कलर डालने से लाल लाल कर देते, और
चिकन थोड़ा थोड़ा भर दे। अब घर में ये है कि हम मसाले में डाल के चिकन भर के ये घर पे बनाने की बात है कि जितना चाहिए उतना चिकन लोडेड भर दो। तो मैंने वैसे चिकन भर भर के बनाया और मुझे तो रेसिपी एकदम इजी और सिंपल लगी। हां एकदम सिंपल है। हां मम्मी की वो ट्रिक अच्छी लगी जो कि तीन रोटी को मिला के बस बेले और फिर एक एक काटे, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा वीडियो में। अगर जिसको नहीं ऐसा करना है वो सिंगल रोटी की बेक के रोटी घुमा के ट्राई कर सकते हैं। कमेंट कर देना अगर उस तरीके की रेसिपी चाहिए तो अपन वेज में बना लेंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताना अगर आपको वेज में चाहिए इस तरीके का, थोड़ा अलग तरीके में बनाए तो हम वैसे भी बना देंगे। चलो अभी टेस्ट करेंगे क्या। देखो रोल आधा पूरा मजा नहीं, जब तक उसका कांदा और वो पुदीने की चटनी साथ में ना हो। ये मैंने पुदीने की चटनी प्याज और नींबू साथ में ली। बहुत से बच्चे केचप से खाते हैं, कोई शेजवान चटनी से खाते हैं, कोई दही से खाते हैं, सब अपना अपना टेस्ट। हां ना चलो सब भी खा लेते, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। चलो मतलब मेरी चटनी आज नहीं देखो नहीं लिया पहले मैं बोला हमको चाहिए नहीं है। चलो ये चला थोड़ा ही खाना कि मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ठीक है तो चलिए बाय बाय।